दोस्तों, ये कहानी मुंबई के एक ऑटो ड्राइवर की कहानी है जो मुंबई के सड़कों पर दिन भर ऑटो चलाया करता था। इनका नाम ब्रजेश कुमार है। ये झारखंड के रहने वाले हैं। झारखंड में इनका पूरा परिवार रहता है और ये मुंबई ऑटो चलाने के लिए गए हुए हैं। ब्रजेश एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जिसके वजह से इनको रोज़गार के लिए मुंबई जाना पड़ता है। मुंबई में इनको पता चलता है कि ऑटो ड्राइविंग में अच्छी कमाई है, जिसके बाद ये ऑटो ड्राइव करने लगते हैं। एक ऑटो खरीद लेते हैं सेकेंड हैंड और मुंबई की सड़कों पर ऑटो चलाते हैं। इनकी ज़िंदगी भी अच्छी चल रही थी। ब्रजेश महीने में ऑटो से जितना भी इनकम करते उसका एक अच्छा हिस्सा घर भेज दिया करते थे। ब्रजेश के परिवार में ब्रजेश के माता पिता, ब्रजेश की पत्नी, ब्रजेश का एक बेटा और एक बेटी थी। ब्रजेश का पूरा परिवार झारखंड में रहता था और ब्रजेश अकेले रोजगार के लिए मुंबई में रह रहा था। ब्रजेश सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मुंबई में ऑटो चलाया करता था। 10 बजे के बाद ब्रजेश हमेशा अपने रूम पर चला जाता था। ब्रजेश क्योंकि मुंबई में अकेला था, उसने एक सिंगल रूम ले रखा था जहाँ पर वो रात 10 बजे जाकर सोता था और सुबह मॉर्निंग में रेडी होके 8 बजे फिर से ऑटो लेकर निकल जाता। ब्रजेश सोचता था कि वो इतनी कमाई कर ले जिससे उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा, माता पिता की दवाइयों का खर्च और बीबी की ज़रूरतें पूरी हो जाए। इसलिए ब्रजेश दिन भर मेहनत करता था। एक दिन की बात है जब ब्रजेश सुबह सुबह रेडी होके 8 बजे ऑटो लेकर निकल जाते हैं। वह मुंबई की सड़कों पर सवारियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कर रहे थे। ऑटो चलाते चलाते रात के करीबन 8 बज चुके थे। तभी देखता है एक महिला चेहरे पे स्कार्फ बांधी हुई है, रोड के किनारे खड़ी है और किसी ऑटो का इंतजार कर रही है। ब्रजेश तुरंत उस महिला के पास जाता है और पूछता है, मैडम कहाँ जाना है आपको? वो लड़की पता दिखाती है, बोलती है, मुझे इस पते पे आप ड्रॉप कर दो। वो लड़की ऑटो में बैठ जाती है। उस लड़की का चेहरा ब्रजेश नहीं देख पाता है क्योंकि पूरे चेहरे में स्कार्फ लपेटा हुआ था। केवल उस लड़की के आईज ही नजर आ रहे थे, केवल आंखें ही दिख रही थी। ब्रजेश उसे लेकर उसके पते पर जाने लगता है। जाते जाते उस लड़की का जो अपार्टमेंट था वो आ जाता है। लड़की कहती है, रुक जाओ, यही मेरा अपार्टमेंट है, यहीं पे मैं रहती हूँ, आपके कितने पैसे हुए? वो लड़की पैसे निकाल के ब्रजेश को देती है और अपार्टमेंट की तरफ चल जाती है। उसके बाद ब्रजेश भी वहां से निकल जाता है और अपने काम में लग जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर से ब्रजेश अपने काम पर आता है और दिन भर ऑटो चलाता है। शाम के वक्त 8 बजे उसी रास्ते से ब्रजेश गुजर रहा था जिस रास्ते से पिछले दिन ब्रजेश गुजरा था। वो फिर देखता है वही लड़की स्कार्फ बांधे हुए वहीं पर खड़ी है। ब्रजेश फिर तेजी से ऑटो लेकर उस लड़की के पास जाता है, बोलता है, मैडम आप कहाँ जाना चाहते हैं? मैडम फिर से पता दिखाती है और बोलती है कि मुझे इस पते पे छोड़ दो। वो वही पता होता है जहाँ पर पिछले दिन ब्रजेश ने उस लड़की को ड्रॉप किया था। ब्रजेश कहता है, मैडम कल भी मैंने ही आपको ड्रॉप किया है। वो लड़की कहती है, हाँ। उसके बाद वो लड़की ऑटो में बैठ जाती है और फिर ब्रजेश ले जाकर उसी अपार्टमेंट के सामने उस लड़की को ड्रॉप करता है और फिर ब्रजेश वहाँ से निकल जाता है। तीसरे दिन भी सेम वाक्या होता है। वो लड़की उसी जगह पर खड़ी थी। ब्रजेश देखता है उस लड़की को और सोचता है, ये तो अच्छी बात है, रोज़ रोज़ मैं इस रास्ते से गुजरता हूँ और ये लड़की मुझे दिख जाती है जिससे मुझे सवारी खोजनी नहीं पड़ती है और मैं इसे ड्रॉप करके अच्छे पैसे भी कमा लेता हूँ। ब्रजेश फिर से उस लड़की के पास जाता है और उसको अपने ऑटो में बैठाता है और उसी अपार्टमेंट की ओर लेकर चल देता है। 3 दिनों से लगातार ब्रजेश उस लड़की को उस अपार्टमेंट के पास ड्रॉप कर रहा था। अचानक ब्रजेश उस लड़की से पूछ बैठता है कि मैडम आपका नाम क्या है? मैं आपको 3 दिन से लगातार उस अपार्टमेंट में ड्रॉप कर रहा हूँ। वो लड़की कहती है, मेरा नाम नेहा है। ब्रजेश
और भी उससे कुछ बात करना चाहता था, लेकिन वो लड़की जवाब नहीं देती। फिर ब्रजेश चुप हो जाता है। जाते जाते ब्रजेश अपार्टमेंट के पास पहुंचता है। लड़की ऑटो से उतरती है और अपार्टमेंट की ओर चलने लगती है। ब्रजेश भी आगे निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद ब्रजेश को मिरर में दिखता है कि पिछले वाले सीट पर कुछ रखा हुआ है। ब्रजेश साइड में ऑटो को रोकता है और पीछे सीट पर नज़र डालता है तो देखता है कि लड़की का हैंडबैग छूटा हुआ था। ब्रजेश को समझ में आ जाता है कि यह हैंडबैग उसी लड़की का है जिसे मैंने थोड़ी देर पहले ड्रॉप किया है। ब्रजेश अपने ऑटो को यू टर्न करता है और उसी अपार्टमेंट के पास आता है। हैंडबैग को लेकर वो ऑटो से नीचे उतरता है और वॉचमैन के पास जाता है। वॉचमैन से कहता है कि अभी मैंने एक लेडी को थोड़ी देर पहले यहाँ पर ड्रॉप किया है जिसका हैंडबैग मेरे ऑटो में छूट गया है। अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं जाकर उनका हैंडबैग उनको रिटर्न कर दूँ। वॉचमैन कहता है कि तुम उस लड़की को जानते हो जिसे तुमने अभी ड्रॉप किया था, कैसी दिखती है? ब्रजेश कहता है कि उनके चेहरे पे तो स्कार्फ बंधा हुआ था, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन उन्होंने मुझे अपना नाम बताया है। उनका नाम नेहा है और वो इसी अपार्टमेंट में रहती है, क्योंकि 3 दिनों से लगातार मैं उस लड़की को यहाँ पर ड्रॉप कर रहा हूँ। वॉचमैन कहते हैं कि नेहा, अच्छा, 4 नंबर फ्लोर में चले जाओ और वहाँ पर 402 नंबर कमरे में एक नेहा रहती है, शायद वही होगी, तुम जाके ये बैग दे आओ। ब्रजेश अपार्टमेंट के अंदर जाता है और सीढ़ियों से 4th फ्लोर पर पहुँच जाता है। 402 नंबर कमरे के बेल को प्रेस करता है। एक महिला डोर को ओपन करती है और ब्रजेश से पूछती है कि कौन हो, क्या काम है? ब्रजेश कहता है, मैडम, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक लेडी को इस अपार्टमेंट में ड्रॉप किया है, उनका नाम नेहा है और उनका हैंडबैग मेरे ऑटो में छूट गया जो मैं उन्हें वापस करने के लिए आया हूँ। वो महिला कहती है, मेरा नाम नेहा ही है और इस पूरे अपार्टमेंट में मैं अकेली नेहा हूँ, मेरे अलावे कोई और नेहा यहाँ पर नहीं रहती। तुम किस नेहा की बात कर रहे हो? और इस अपार्टमेंट में और कोई दूसरी नेहा नहीं है और मैं सुबह से घर में हूँ तो ऑटो से आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ब्रजेश बिल्कुल शॉक हो जाता है। ब्रजेश को तो पता ही नहीं था कि नेहा दिखती कैसी थी, क्योंकि ब्रजेश ने कभी उस लड़की का चेहरा नहीं देखा था, हमेशा चेहरा स्कार्फ से ढका हुआ रहता था। ब्रजेश उनको कहता है, सॉरी मैडम, और उसके बाद बैग लेकर नीचे आ जाता है। ब्रजेश कहता है, नहीं, 402 नंबर कमरे में जो नेहा है उनका बैग नहीं है, ये किन्हीं और का है। वॉचमैन कहता है, ठीक है, बैग अपने पास रख लो और अगर कल मुलाकात होती है तो कल बैग उनको दे देना। ब्रजेश भी सोचता है कि हो सकता है कल शाम में मेरी फिर से मुलाकात हो जाए तो मैं उसी वक्त उनको बैग दे दूंगा। अगले दिन शाम 8 बजे फिर से ब्रजेश उसी सड़क से गुजरता है। फिर वो देखता है कि वो लड़की स्कार्फ बांधे हुए उसी जगह पर एग्जैक्ट खड़ी है जहाँ पर वो रोज खड़ी रहती है। ब्रजेश तेजी से ऑटो उसके पास लेकर जाता है और कहता है, मैडम बैठिए। वो लड़की बैठ जाती है। उसके बाद ब्रजेश उस लड़की को लेकर जाने लगता है और कहता है, मैडम कल आपका हैंडबैग ऑटो रिक्शा में छूट गया था। वो लड़की कहती है, हाँ। ब्रजेश कहता है, मैडम आपके हैंडबैग को देने के लिए मैं आपके अपार्टमेंट में भी गया था लेकिन मुझे पता चला कि वहां पर आप नहीं रहती हैं। वो लड़की कहती है, नहीं, मैं उसी अपार्टमेंट में रहती हूँ। ब्रजेश कहता है, लेकिन मैडम उस अपार्टमेंट में तो एक ही नेहा है और उन्होंने बताया कि ये हैंडबैग उनका नहीं था। लेकिन लड़की कोई जवाब नहीं देती है। उसके बाद ब्रजेश हैंडबैग निकालकर लड़की को दे देता है और उस अपार्टमेंट के पास लड़की को ड्रॉप करता है। ड्रॉप करने के बाद ब्रजेश सोचता है कि ये लड़की इसी अपार्टमेंट में रहती है, इसने मुझे सही से जवाब भी नहीं दिया
और जो नेहा इस अपार्टमेंट में रह रही है वो कहती है कि वो ये नहीं है, फिर ये लड़की कौन है। ब्रजेश ऑटो को साइड में लगाता है और सोचता है क्यों ना इस लड़की को फॉलो किया जाए, और वो लड़की धीरे धीरे अपार्टमेंट के अंदर चली जाती है। ब्रजेश तेजी से आता है और वॉचमैन को पूछता है कि ये जो लड़की जा रही है यही तो नेहा है, कल इसी का हैंडबैग मेरे ऑटो में छूट गया था। वॉचमैन कहता है कौन सी लड़की। वॉचमैन ब्रजेश उस लड़की को दिखाते हुए कहता है कि ये लड़की जो जा रही है। वॉचमैन कहता है मुझे तो कोई लड़की नजर नहीं आ रही। ब्रजेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वॉचमैन को वो लड़की दिख क्यों नहीं रही थी। फिर ब्रजेश उस लड़की को फॉलो करते हुए सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। देखता है वो लड़की थर्ड नंबर फ्लोर पे जाती है। थर्ड नंबर फ्लोर पे 302 नंबर कमरे को ओपन करती है और अंदर चली जाती है। ब्रजेश फिर तेजी से नीचे उतरता है और वॉचमैन को कहता है कि आप क्या बात करते हो, वो लड़की को मैंने फॉलो किया, वो 302 नंबर कमरे में रहती है थर्ड फ्लोर में। वॉचमैन कहता है 302 नंबर कमरा, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 302 नंबर कमरा 3 साल से बंद है, उस कमरे में कोई नहीं रहता क्योंकि जब से उस कमरे में हादसा हुआ है कोई भी किराएदार उस कमरे को किराए में नहीं ले रहा है। ब्रजेश कहता है कौन सा हादसा। वॉचमैन बताते हैं कि उस कमरे में एक लड़की रहती थी। वॉचमैन बताते हैं कि उस 302 नंबर कमरे में एक लड़की रहती थी जिसके जलने की वजह से मृत्यु हो गई थी। वॉचमैन बताते हैं कि उस लड़की की पूरी बॉडी 302 नंबर कमरे में जल गई थी, जिसके बाद से उस कमरे को बंद कर दिया गया और कोई भी किराएदार उस कमरे को 3 साल से रेंट पे नहीं लिया है, फिर वहां पर कोई कैसे रह सकती है। ब्रजेश कहता है लेकिन अभी मैंने एक लड़की को उस कमरे में जाते हुए देखा है। वॉचमैन कहता है कि ये तुम्हारा भ्रम है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ब्रजेश अपनी बात पर अड़ा रहता है। उसके बाद वॉचमैन चाबियों का पुराना गुच्छा लेके ब्रजेश के साथ थर्ड नंबर फ्लोर पे जाते हैं और 302 नंबर कमरे को ओपन करते हैं। दोनों कमरे में थोड़ा अंदर जाते हैं। कमरे का नज़ारा बिल्कुल अजीब था और बिल्कुल डरावना था क्योंकि कमरे के अंदर सभी चीजें जली हुई पड़ी थी, दीवारें काली हो चुकी थी, फर्नीचर गद्दे सब जले पड़े थे। वॉचमैन कहता है देख लो इस रूम की हालत, तुम्हें लगता है कि यहां पर कोई रह सकता है। ब्रजेश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि लगातार जिस लड़की को वो उस अपार्टमेंट के पास ड्रॉप कर रहा है वो लड़की कहाँ गायब हो गई। वॉचमैन कहते हैं कि हो सकता है उस लड़की की आत्मा को तुमने देखा हो। ब्रजेश को भी अब इस बात पर विश्वास होने लगा था कि शायद वो जिस लेडी को रोज ड्रॉप कर रहा था वो एक लड़की नहीं बल्कि एक आत्मा थी, क्योंकि उसका शरीर जला हुआ था, चेहरे जले हुए थे, इसलिए हमेशा वो स्कार्फ लपेट के रखती थी। ब्रजेश नेक्स्ट दिन से वो अपना रूट ही बदल देता है। नाइट में जिस रूट से होते हुए वो घर जाता था जहाँ पर वो लड़की मिलती थी, उस रूट को ब्रजेश बदल देता है और दूसरी रूट से होकर वो घर जाता है, जिसके बाद उस लड़की से ब्रजेश की मुलाकात नहीं होती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कितनी इंटरेस्टिंग लगी एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू।